हे गाइज, कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपने मोबाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल है या सैमसंग का है या रियलमी का है, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है और अपने मोबाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो गाइज, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन का कुछ ऐसा पेज आएगा। तो सबसे पहले आप एग्री में क्लिक कीजिए और ग्रांट में क्लिक करके जो है आप इसको परमिशन दे दीजिए। परमिशन देने के बाद जो है सबसे पहले आपके फ़ोन में बहुत सारे कलरफुल फ़ॉन्ट आ जाएंगे। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है, आप जो भी फ़ॉन्ट अपने फ़ोन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल्स वाले में सी ऑल में क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फ़ॉन्ट अवेलेबल है फ्री में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट है जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इसी में से कोई हम एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ये जो बेस्ट विशेष है ना, हम इसमें क्लिक करते हैं। हम इस वाले फ़ॉन्ट को अपने फ़ोन में अप्लाई करने वाले हैं। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो आप उस फ़ॉन्ट में क्लिक कीजिए। फ़ॉन्ट में क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई भी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है तो आप इसको जो है यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद जो है आपका फ़ॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे एक बटन आ जाएगा अप्लाई का। तो आप अप्लाई में क्लिक कीजिए। अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3-4 मेथड आ जाएंगे। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 मेथड है। ओके, तो यहाँ पर हम आप कोई भी मेथड में क्लिक कर सकते हैं। अब हम मेथड 1 में क्लिक करते हैं। ओके, आप कोई भी में भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम 1 में क्लिक करते हैं। अभी पहले 1 में ही क्लिक कीजिए। 1 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा पेज आएगा। तो आप यहाँ पर चेंज फॉन्ट में क्लिक कीजिए। चेंज फॉन्ट में क्लिक करने के बाद फिर से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट विशेष वाले फ़ॉन्ट आ चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद हमें बोल रहा है कि आप अपना फ़ोन जो है रिबूट कीजिए। तो यहाँ पर अपने फ़ोन को जो है रिबूट कर लेते हैं, यानी कि हमें अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने को बोल रहा है। जिसको मैंने रीस्टार्ट कर लिए हैं। रीस्टार्ट होने देते हैं, देखते हैं रीस्टार्ट होने के बाद हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता है कि नहीं। जैसे कि मेरे पास रिबूट ऑप्शन आया, अगर पास सैमसंग का मोबाइल होगा तो रिबूट ऑप्शन नहीं होगा, कोई और ऑप्शन होगा। तो आप थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि सभी फोन मुझे एक सेटिंग्स नहीं होते, थोड़ा मुझे अलग अलग होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। वैसे सारे सेटिंग सेम ही होंगे, बट थोड़ा मुझे अलग होगा, इसमें अलग और इसमें अलग। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, तुम्हारा फोन यहाँ पर रिबूट हो रहा है, तुम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्टार्ट हो चुका है और फाइनली आप देख सकते हैं। पहले हम आपको प्ले स्टोर में जाकर दिखाते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्ले स्टोर में जो है सारे फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब हम आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाके दिखाते हैं, मोबाइल के सेटिंग्स में जाके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुए हैं कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो गाइस, आप इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है आप उसको अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आप हमें बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपको टॉपिक हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए ताकि उसी टॉपिक पर जो है हम अगला वीडियो लेकर आएँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।